ओके गाइस, ये जो स्टोरी है इस ये स्टोरी 200+ चैप्टर्स का है और इसमें किसी ने कहा था कि सीईओ का ही का अलग स्टोरी कहाँ से शुरू होगा। तो आज के एपिसोड से इनका लव स्टोरी स्टार्ट हो गया है। तो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, थैंक यू। अब सीईओ के ऑफिस का सीन दिखाते हैं कि सीईओ ऑफिस में आया है और अपने असिस्टेंट से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि किसी को कैसे बटरफ्लाईज दी जा सकती है। सीईओ का असिस्टेंट काफी कंफ्यूज होता है और बोलता है कि बटरफ्लाईज कौन सी बटरफ्लाई। सीईओ बताता है कि मेरा एक दोस्त है जिसे अपने फीलिंग्स को शेयर करना है लेकिन वो शेयर नहीं कर पा रहा क्योंकि जिसे वो पसंद करता है उसे किसी और पे क्रश है और उसे लगता है कि उसे जो बटरफ्लाईज मिल सकती हैं वो एक सेंसिटिव पर्सन के द्वारा ही मिल सकती हैं। तो सीईओ बोलता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, अब तुम मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ। असिस्टेंट जो है वो थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि उसे नहीं पता इसका सॉल्यूशन क्या है। तो वो बोलता है मुझे नहीं पता इसका सॉल्यूशन क्या है और इनफैक्ट ये तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो सीईओ बोलता है कि क्यों ना हम इंटरनेट पे सर्च करें, शायद हमें इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा और इस तरह की प्रॉब्लम शायद किसी और की भी होगी। तो इंटरनेट पे पता चलता है कि कैसे आपका क्रश जो है वो होता है और आपको कैसे किसी को अपने तरफ आकर्षित करना चाहिए। जब सीईओ पढ़ रहा होता है तो उसमें एक चीज और लिखी होती है कि फर्स्टली आप जो है आई कांटेक्ट बनाएं। तभी सीईओ बोलता है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि आई कांटेक्ट बनाए क्योंकि जैसे ही आई कांटेक्ट बनाते हैं मुझे बहुत नर्वस भी लगता है और ये को कुछ नोटिस भी नहीं होता है कि हम आई कांटेक्ट में बात कर रहे हैं। अब ये सब देख के सीईओ को लगता है कि ये तो बहुत सिली टाइप चीजें हैं और उसे शॉक भी फील होता है और तभी उसे लगता है कि हाँ हमने एक बार कांटेक्ट तो किया था, हमारे हाथ एक दूसरे से मिले थे। इंटरनेट पे बताया जाता है कि आपको एक दूसरे के इमोशंस का ख्याल रखना चाहिए और अपने कॉमन टॉपिक्स पे बात करने चाहिए, जिसे सीईओ सोचता है कि ये तो शायद काम नहीं करेगा। अब इंटरनेट से मिली हुई आखिरी टिप ये होती है कि आपको चाइल्डिशली बिहेव करने की जरूरत है, जिसे देख के सीईओ और उसका असिस्टेंट सोचते हैं सीरियसली ऐसा करना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ये क्लासरूम में बैठा है और दो लड़के कुछ बात कर रहे हैं और तभी उन दोनों को ऑब्जर्व करता है और याद करता है कि उसे कैसे कहा गया था कि उसे बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना है। हमारी सिंगल लड़की यी को बड़ी मासूम नजरों से देखती है और सोचती है कि इसका तो शटडाउन होने वाला है कैरियर और शायद इसे ये पता भी नहीं है। ये का ट्रेनर जो है उसको मदद कर रहा होता है एक्सरसाइज में और लड़की ये देखती है कि ये कितना हार्ड वर्किंग है, लेकिन यदि उसे पता चल जाएगा कि उसे फिल्म इंडस्ट्री से शटडाउन किया जा रहा है तो शायद वो इतनी कड़ी मेहनत कभी नहीं करेगा। अब दिखाते हैं कि ये और रेन रेन ने एक मैगजीन के लिए कवर पेज का शूट किया है। उनका फोटोग्राफर जो है वो फोटोज शूट कर रहा होता है और तभी वो बोलता है कि तुम लोग थोड़ा क्लोज रहो जिससे कि तुम लोगों का जो पोज है वो अच्छा है। और तभी ये पूछता है कि रैन रैन क्या तुम बहुत थके हुए से नहीं लग रहे हो। तभी ये वो सब बोलता है कि नहीं ठीक है, हम ये पोज फिनिश कर सकते हैं और खुशी खुशी बोलता है कि एक बार ये शूट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आराम से आराम कर सकता हूँ। रैन रैन और यी का शूट खत्म हो जाता है, वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में जाते हैं। तभी ये बोलता है कि तुम्हें याद है तुमने एक बार कहा था कि तुम अपना ट्रू लव फाइंड नहीं कर सकोगे करके। तभी रैन रैन बताता है कि मुझे नेक्स्ट ईयर तक एक टफ गाय की इमेज को मेंटेन करके रखना है तो मैं अभी लव के बारे में नहीं सोच सकता, लेकिन जो भी लड़के मुझे मिलते हैं वो काफी स्किनी होते हैं। रैन रैन बोलता है कि यदि मुझे अपना ट्रू लव मिल गया तो शायद मैं अपना कैरियर भी छोड़ दूंगा जिससे उसे कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और वैसे भी मेरे लिए ट्रू लव से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं है। ये रैन रैन के द्वारा कही भी बात को सोचता है कि हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग से प्रॉब्लम होती है, यदि मैं किसी दूसरे लड़के से बात करूंगा और यदि कोई मुझे पसंद करेगा तो शायद वो भी सैड फील करेगा। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि जो पर्सन मुझे लाइक करता है वो जिन याओ है, यानी कि हमारे सीईओ यी को लाइक करते हैं। तभी यी सोचता है कि क्या जिन याओ मुझे लाइक करता है और क्या उसे भी सैडनेस फील होगी यदि मुझे कोई और पसंद करे या मैं किसी और से बात करूँ तो। तभी सीन दिखाते हैं कि वो मैगजीन का कवर जो था वो छप चुका है और मैगजीन रिलीज हो गई है। सीईओ के ऑफिस में वो मैगजीन पहुंचती है और सीईओ उस मैगजीन को अपने टेबल पे पटक देते हैं और वहां पर देखते हैं कि वहां पर डिफरेंट डिफरेंट पोजेस में इन दोनों की फोटो है। तभी सीईओ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो तुरंत मैगजीन को क्लोज करके बोलता है ये किस टाइप के सीन चल रहे हैं, क्या इस तरह का एक्ट कोई करता है। मैनेजर बोलता है सीईओ को कि सर आपकी एक मीटिंग है और उसे हमें जाना चाहिए। तभी सीईओ गुस्से में होता है, बोलता है हाँ तुम मीटिंग फिक्स करो, हमें बाई एंटरटेनमेंट जाना है। जैसे ही वो लिफ्ट से जाते हैं देखते हैं कि काफी लोग गॉसिप कर रहे हैं और बोलते हैं कि कितना सुंदर कवर पेज है और रैन रैन और यी कितने अच्छे लग रहे हैं। सीईओ का मूड खराब होता चला जाता है। सीईओ सोचता है कि कंपनी के लोगों को लगता है गॉसिप करने के अलावा कोई काम नहीं है और मैनेजर सोचता है जितनी जल्दी लिफ्ट रुके उतनी जल्दी हम इस लिफ्ट से बाहर निकले। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सिंगर और एक लड़का क्लासरूम में होते हैं, वो दोनों भी मैगजीन देखते हैं। सिंगर उसको बोलती है कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो। लड़का बोलता है कि आखिरकार ये आदमी क्यों है मैगजीन पे, इसकी जगह हम में से कोई एक और भी हो सकता था। सिंगर बताती है कि मैंने सुना है कि यी को शट डाउन किया जा रहा है। तभी लड़का पूछता है व्हाट्स, तुम क्या कह रही हो, क्या ये तुम सच कह रही हो। तभी लड़की बोलती है हाँ मैं सच कह रही हूँ, मैंने बाई एंटरटेनमेंट के प्रेसिडेंट को बात करते हुए सुना है। तभी लड़का बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है ये सोच के कि यी को बैन कर दिया जाएगा और वो लड़की को पूछता है क्या तुम सच में ये कह रही हो। लड़की बोलती है कि लेकिन तुम ये बात किसी को मत बताना। एक आदमी आता है और बोलता है कि हमारे इंडस्ट्री के पास में एक आदमी बहुत क्रीपी तरीके से घूम रहा है, ये सिक्योरिटी गार्ड बोलता है। तो इंडस्ट्री का मालिक बोलता है कि तो सिक्योरिटी गार्ड को उससे डील करना चाहिए और बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम लोगों को पता होगा कि कैसे क्रेजी फैंस के साथ डील करनी चाहिए। मुमू अभी भी किताब पढ़ रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें इस टाइप की चीजों के बारे में मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, ये सब अपने हाथों से ही हैंडल कर लिया करो। और तभी गार्ड बताता है कि एक्चुअली वो गैस थे जो आपको उन्होंने लास्ट टाइम इनवाइट किया था, तो पर वो ऊपर नहीं आए और उन्होंने यहाँ से जाने से भी मना कर दिया। तो मुमू को लगता है कि अब ये क्या चीज है करके, तो गार्ड जो है तस्वीर निकालता है जो उनके सीसीटीवी कैमरा से मिली होती है और बोलता है कि ये जो इंसान है यहाँ पर बहुत समय से, कुछ दिनों से गेट पे वेट कर रहा है और ऐसा लगता है कि ये किसी के लिए वेट कर रहा है। तो मुमू देखता है उस इंसान को और उसकी जो आंखें एकदम छोटी छोटी होती है और उसमें दिखाई देता है कि ये मिस्टर ही है जो कि लिंगवाई के डैड है। अब देखते हैं कि कैसे वो स्नीक आउट कर रहे हैं और कभी अपने को छुप छुप के कोट से ढाक लेते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो मुमू ना ये देख के उसको बहुत ही शौक होता है और बोलता है अंकल ही क्यों यहाँ पर है। और तभी वो सोचता है कि अंकल ही जो है वो गिव अप नहीं करेंगे क्योंकि ये यूजलेस प्रोड्यूसर है, मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में। तो ये अभी भी गेट पे इंतजार कर रहे हैं और तभी वो अपने मन में ये भी सोचता है कि मैं यदि कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोड्यूसर होता और अंकल ही नहीं होते तो मैं इनसे कब से अपना पीछा छुड़ा लेता, लेकिन ये हमारे अंकल ही है तो इनसे पीछा छुड़ाना थोड़ा मुश्किल है। वो अभी भी रिपोर्ट देख ही रहा होता है मतलब। और तभी वो अपने मन में सोचता है कि उन्होंने आखिरकार प्रोड्यूसर बनने के लिए बारे में क्यों सोचा होगा, वो तो अपने ही ग्रुप के मालिक भी बन सकते थे और अभी भी वो जो यी के पीछे पड़े हुए हैं करके। और तभी गार्ड बोलता है कि सर आप हमें क्या पुलिस को बुलाना चाहिए क्योंकि ये तो एक तरह से स्टॉकर की तरह काम कर रहे हैं करके और जो हमारी चीजें हैं वो ऐसे इजी नहीं दिख रही हैं, यदि हम पुलिस को बुलाएंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये केस। तभी मुमू सोचता है कि यदि मेरे बाप को पता चल गया और वो उनके बेस्ट फ्रेंड है तो वो शायद मुझे पुलिस में भेज देंगे या मुझे ही मार डालेंगे क्योंकि मुमू के पिताजी और मिस्टर ही जो ये प्रोड्यूसर है ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है। और तभी वो बोलता है कि एक काम करो तुम उसको इग्नोर कर दो करके और ऐसा दिखो कि तुमने कभी से देखा, उसको इग्नोर कर दो करके और ऐसा दिखो कि तुमने कभी से देखा ही नहीं, ये आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और किसी नैनी वैन को जो है वहां पर रखो जिसमें स्टूडेंट हो जो एक्टिंग क्लासेस के लिए आए हों और ये श्योर करना कि वो लोगों को सेफली पिक एंड ड्रॉप किया जाए एवरी डे। फिर क्या होता है मुमू अपने मन में सोचता है कि ये जो है मैं कुछ कर नहीं सकता और मैं अंकल ही को जो है ऑपरेट नहीं कर सकता, तो इतना ही मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो स्टूडेंट्स का वैन वहां खड़ा कर देगा और मिस्टर ही जो है वो कहीं ना कहीं से शायद उनमें से किसी को पिक कर लेंगे करके। अब टीचर जो होती है इनकी वो बताती है कि ये महीने का आखिरी टाइम चल रहा है और मुझे लगता है कि तुम लोग ने सबने अच्छे से काम किया है करके। और तभी वो मंथली असाइनमेंट देती है, सब लोग सोचते हैं कि क्या मंथली असाइनमेंट, और ये भी सोचता है कि मंथली असाइनमेंट क्या मुझे भी करना पड़ेगा। तो टीचर बोलती है यस तुम लोगों ने सही सुना है, मंथली असाइनमेंट, तो अपने आप को प्रिपेयर करो। और मुझे उम्मीद है कि कोई भी क्लास छोड़ के नहीं भागेगा। और मैं भी आगे देखना चाह रही हूँ कि नए फेसेस कैसे होंगे, आखिरकार तुम लोग बाई कंपनी के फ्यूचर हो करके, तो अपना अच्छा बेस्ट देना, तभी सब बोलते हैं ओके। अब दूसरे सीन में दिखाते हैं कि ये जो लड़के, जिस लड़के को पता चली है कि यी को शट डाउन कर दिया जाएगा, वो अपने मन में सोचता है कि अभी तक यी को तो पता नहीं है, लेकिन जब उसे शट डाउन किया जाएगा तो उसका मेंटली ब्रेकडाउन हो जाएगा करके। और यदि मैं उसे बता दूं अभी ही कि वो उसे शट डाउन करने जा रहे हैं तो कैसा रहेगा करके, तभी वो आदमी बैठ के हंसता है कि यी को तो पता भी नहीं है कि ये बात सच्ची है या झूठी है, और यी बेचारा अपना बॉटल से पानी भर रहा होता है। और तभी वो बोलता है कि मुझे ना किसी ने कुछ बताया है, लेकिन जैसे ही वो ऐसे मुंह खोलता है ये सोच के कि वो उसको बता रहा है, ही तो कोई और आ जाता है मिलने के लिए, और वो उनसे बात करने लगते हैं कि तुम्हें एक नया असाइनमेंट मिला है, चलो मेरे साथ। तो ही उस आदमी के साथ चला जाता है, और फिर ये आदमी जो है अलग से ही सपने देखने लगता है कि हाँ भाई अभी भी ही तो पता नहीं है। और वो देखता है कि बेटा आ गई है, और ही बोलता है कि ठीक है मैं अंदर आ रहा हूँ। और तभी लोग बोलते हैं कि असाइनमेंट बिगेन होने वाला है, तभी ये लड़का किसने सुना है क्या, और कोई पूछता है क्या तुम लोग तैयार हो, तो ये बोलता है हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। और तभी इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये तब से कहना चाह रहा है, लेकिन इसकी कोई भी बात वो जो है ये सुन ही नहीं रहा है, जैसे कि ऑटोमेटिकली सब चीजें शट डाउन हो गई है। और लड़का सोचता है कि मुझे एक भी चांस नहीं मिल रहा है कि मैं ये को ये बात बोल सकूं। और तभी यही सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है करके, और तभी यही सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है करके। अब क्या होता है दिखाते हैं कि स्टूडेंट्स क्लासरूम में हैं और वहां पर कुछ लोग जो है असाइनमेंट्स दे रहे हैं और असाइनमेंट्स के साथ क्वेश्चंस भी दे रहे हैं। तो ये लोग सब बच्चे जो है अपनी अपनी पर्ची उठाते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये भी देखता है और उसकी आंखें फटी रह जाती है, और जो हमारी सिंगर है वो भी देखती है। और तभी वो बोलती है कि तुम्हें तो सबसे ज्यादा और हार्डेस्ट लाइन मिला है असाइनमेंट में। और तभी ये हंसता है और बोलता है इट्स ओके, ये थोड़ा सा लंबा है फिर भी ठीक है करके। और बोलता है कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मैं सब कुछ याद कर लूंगा और छोटे से टाइम में ही मैं सब कंप्लीट कर लूंगा। और बोलता है कि इसी चीज में तो मैं सबसे अच्छा हूँ करके। और तभी हमारे पीले बाल वाली लड़की भी बोलती है इस लड़के को जिसको यी के साथ प्रॉब्लम है, उसको बोलती है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें भी एक लॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट लाइन मिला है करके। अब जो लड़का है इससे बड़ा बुरा लग रहा होता है, और तभी वहां से आवाज आती है कि चलो अब हम शुरू करते हैं करके। अब जो सिंगल लड़की होती है वो अपना शॉट देने के लिए तैयार रहती है, और पीले बाल वाली लड़की अपना शॉट देने के लिए तैयार रहती है। और तभी ये बताता है ही कि मेरा जो नंबर है वो 5 है और मेरा नाम यी यून है करके। और तभी लोग बोलते हैं ठीक है अब तुम स्टार्ट करो। तब वो अपनी लाइनें बोलता है कि जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और जब मैं बहुत ज्यादा हेल्पलेस था, और तभी वो ना ऐसे बोलता रहता है और बोलता है। तभी दूसरे जज बोलने लगते हैं कि ये जो आदमी है वो बहुत ही यंग और प्रिटी है करके। बस अभी तक इसने इतनी ही लाइन बोली होती है, तब तक में इनकी टीचर बोलती है कि मतलब टीचर को बहुत सेटिस्फाइड होता है कि हाँ ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और तभी इनका जो दूसरा जज है वो बोलता है कि हाँ भाई इससे अपनी पूरी जो लाइन थी एकदम एक्यूरेटली याद हो गई इतने शॉर्ट टाइम में, और बहुत ही फ्लुएंट था और क्लियर था सब कुछ। तो और तभी दूसरा आदमी बोलता है हाँ ये जो लाइन थी वो बहुत ही लंबी थी और डिफिकल्ट था रिमेम्बर करने के लिए, लेकिन फिर भी इसने बहुत अच्छा किया है करके। तभी नेक्स्ट वन की बारी आती है, यानी अब हमारे ये पर्पल हेयर वाले आदमी की बारी आती है जिसको खुंदक है। वो यी को बहुत गलत नजर से देखता है, खराब नजर से, फिर सारी नजर भी देखता है। और तभी हमारी सिंगर बोलती है क्या तुमने इतनी लंबी लाइन कैसे याद कर ली, वो भी इतने शॉर्ट टाइम में, और तुम बिल्कुल भी शटर भी नहीं किए और तुम्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस भी नहीं हुआ और तुमने सब कुछ आसानी से कर लिया करके। और तो ये होता है नहीं मैं मेमोराइज करने में बहुत अच्छा हूँ करके, वो एक स्माइल भी देता है। अब क्या होता है कि ये जो लड़का होता है पर्पल हेयर वाला होता है कि अब मुझे फाइनली रियलाइज हुआ है और मैं अपने आप को प्रूव करूंगा। लेकिन जब वो प्रूव करने जाता है अपना लाइन बोलने के लिए तो वो शटर करने लगता है, यानी अटक अटक के बोलने लगता है। और तभी सारे जजेस इसको देखने लगते हैं। और तभी ये सिंगर जो होती है वो बोलती है कि मुझे लगा था कि ये भी अपने लाइन अच्छे से याद कर लेगा। और ये जो है लास्ट वन था और उसके पास तो बहुत सारा टाइम था प्रिपेयर करने के लिए, तब भी वो ठीक से क्यों नहीं कर पाया। तो ये पीला बाल वाली लड़की बोलती है किसे पता ये किसी चीज से डिस्ट्रैक्टेड भी हो सकता है, इसीलिए इसने ठीक से प्रिपरेशन नहीं करी हो और ये फेल हो गया हो, ये इसका ही प्रॉब्लम है करके। आप क्या दिखाते हैं कि असाइनमेंट इनका जो है ओवर हो जाता है, सबने सब अपना अपना लाइन बोल लिया होता है और अब ये लोग जा रहे होते हैं। और तभी ये पर्पल हेयर वाला लड़का आता है और फिर से बोलता है कि ये तुम अभी इतना खुश मत हो, लेकिन इस केस में मुझे अभी भी लग रहा है कि ये ने शायद सुना नहीं है। अब क्या होता है ये फिर से बोलने की कोशिश करता है कि तुमको तभी तक पता। आप क्या दिखाते हैं कि असाइनमेंट इनका जो है ओवर हो जाता है, सबने सब अपना अपना लाइन बोल लिया होता है और अब ये लोग जा रहे होते हैं। और तभी ये पर्पल हेयर वाला लड़का आता है और फिर से बोलता है कि ये तुम अभी इतना खुश मत हो, लेकिन इस केस में मुझे अभी भी लग रहा है कि ये ने शायद सुना नहीं है। अब क्या होता है ये फिर से बोलने की कोशिश करता है कि तुमको तभी तक पता नहीं है कि तुम जो हो। अब ये फिर से बोलना चाहता है कि वो शट डाउन हो जाएगा, लेकिन उतने में हमारे सीईओ आ जाते हैं और ये नाम पुकारता है फैंग जियाओ करके। और जैसे ही वो फैंग जियाओ को देखता है वो भाग जाता है, यानी कि इस बार भी उसने इस पर्पल बाल वाले आदमी की कोई बात नहीं सुनी होती है। अब क्या होता है सीईओ उसको देखता है और सीईओ का मैनेजर भी। सीईओ बहुत स्माइल देता है और फिर उसके बाद वो थोड़ा सा उसको देख रहा होता है और तभी ये बोलता है कि वेट करो वेट करो। और तभी सीईओ को ऐसा लगता है कि शायद उसे किसी ने कॉल किया। तभी हमारा मैनेजर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने हमें कॉल किया है क्योंकि मुझे कुछ सुना ही नहीं आया करके। और तभी ये अपने मन में सोचता है कि शायद वो यहाँ इसलिए क्योंकि वो मुझे देखने आया है। तभी दिखाते हैं कि लिफ्ट 28 फ्लोर पे जा रही है और तभी वो लोग देखते हैं कि वहां पर लिफ्ट जाके रुक गई है और वो सोचते कि ये सोचता है कि ये तो मेरा ही क्लासरूम है। और तभी वो देखता है कि दोनों लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं और देखता है कि वो यहाँ है और तो वो जल्दी जल्दी जाता है, बोलता है फैंजिंग। और तो तभी ना और वो सुनता है कि कोई बोल रहा है कि मिस्टर फैंग आपको क्या चाहिए। और तुम मुझे मुमू बोलता है कि मुझे ये मत कहना कि तुम भी ई को शट डाउन करना चाहते हो करके। और तभी वो बात सुन लेता है कि हम लोग जस्ट बिकॉज पार्टनर है और वो पॉपुलर तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको शट डाउन कर दो। ये जो है ना दरवाजा खोलने ही वाला होता है और उसका हाथ रुक जाता है क्योंकि ये भी इनकी ये वाली बातें सुन लेता है और बेचारा सैड होने लगता है। अब ये जो है वो काफी सैड हो चुका होता है और अपना बैग लेके आगे बढ़ता है, थोड़ा पीछे मुड़ के भी देखता है और फिर दरवाजे की तरफ धीरे धीरे सैड में ही होते हुए चला जाता है। अब दिखाते हैं कि हमारा जो सीईओ है बहुत ही सीरियस और एनॉयड हो रखा होता है। तो मोमो बोलता है कि तुम इतना सीरियस मत हो, मैं तो जोक कर रहा था तुम्हारे साथ। और तभी बोलता है नेवर माइंड कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीईओ बोलता है ये कोई फनी बात नहीं है, इस प्रकार का जोक कभी भी आगे जिंदगी में मत करना। तो मोमो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया हूँ, मुझे लगता है तुम डरे हुए हो कि ये जो है वो मिस्टेक से गलतफहमी मतलब गलतफहमी को पाल लेगा करके। और तभी मूवी बताता है कि तुमने उसके लिए फाउंड स्पेस ट्रैवल वाला जो ड्रामा था उसमें तुमने उसको उसका कैरियर सेटअप करने के लिए मदद की और मैं बिल्कुल टोटली तुम्हारी इस बात को समझ सकता हूँ, बट मैं जो हूँ तुम्हारा सिर्फ फन उड़ा रहा था और कुछ नहीं। और बोलता है कि फैंग जियाओ मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके से तुम्हारा फेस एक दिन देखूंगा करके। और बोलता है कि ठीक है तुम बैठो। और तभी सीईओ बैठता है और बोलता है कि ठीक है चलो तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई और मैं चाहता हूँ कि तुम यी को एकदम बहुत अच्छा स्टार बनाओ और उसे लेकिन इस तरीके से फेमस करने की जरूरत नहीं है। और चूंकि वो एक्टिंग करना चाहता है तो तुम उसे हर एक गुड वर्क में पार्टिसिपेट करने दो करके। और तभी मुमू बोलता है कि हाँ हम उस पर काम कर रहे हैं और जो गुड वर्क होता है उसके लिए एक्टिंग स्किल्स भी रिक्वायर होती है, पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय के साथ ही आदमी को एक्टिंग स्किल्स आते हैं वो लर्न करता है करके। पर ये बहुत हार्ड टाइम है और उसने इतने कम समय में काफी प्रोग्रेस की है और मुझे लगता है कि वो उसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा करके। तो सीईओ बोलता है क्योंकि तुम्हें पता है कि वो अपने सारे स्किल्स को लर्न कर रहा है तो उसे जो है तुम लर्निंग पे फोकस करने दो करके, और तुम्हें क्या है उसको किसी और के साथ माइंड करने की जरूरत नहीं है और किसी और के साथ प्रमोट करने की भी जरूरत नहीं है। तो मुमू बताता है कि वो एक टोटली एक्सीडेंट था और कुछ नहीं, कि लोगों ने उन दोनों का रिलेशनशिप ऐसे बना दिया और जो रैन रैन है वो बस यी को उसका पॉपुलैरिटी जो है एस्टैब्लिश करने में मदद कर रहा है करके। तो जो सीईओ होता है वो सोचता है कि हाँ मेरा ही, और तभी मुमू सोचता है कि सीईओ को शायद मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो वो लिंशी के सिर की कसम खाता है और बोलता है कि मैं लिंशी के सिर की कसम खाता हूँ ये दोनों जो है सिर्फ पार्टनर्स हैं वर्क में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और तो सीईओ थोड़ा सा खांसता है और बोलता है ठीक है जो मैंने कहा है उससे तुम करो और मैं नहीं चाहता कि ये जो है अननेसेसरी के रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हो और मैं नहीं चाहता उसे रैंडम के साथ देखना करके, और ये को इस टाइप की पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं है और मैं जो हूँ उसको हर तरह के वर्क में पार्टिसिपेट करने में सपोर्ट करूंगा। तो मुमू अपने मन में सोचता है कि जो सीई है वो जेलस है करके, और तभी वो बोलता है कि फैंग जाओ मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि इस टाइप का दिन कभी तुमने सोचा नहीं होगा कि तुम्हारी जिंदगी में आएगा करके। अब ये तो चूंकि दुखी होता है तो वो ऐसे चुपचाप मुंडी लटका के अपना भीड़ भाड़ से निकल रहा होता है। तभी दूसरे आदमी बोलता है क्या तुम्हारा ड्यूटी खत्म हो गई है क्या, क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं, और हमारी एक कंपनी ने ना एक स्पेशल नैनी वैन को सेटअप किया है तुम लोगों के लिए करके। तो ये बेचारा सैड होता है तो बोल देता है नहीं कोई जरूरत नहीं है। तो ये लड़का सोचता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, ये बहुत ही सैड सा दिख रहा है और क्या उसने अपने जो असाइनमेंट्स थे ठीक से नहीं किए क्या। अब ये जो है उस कंपनी में से निकलता है और ना जैसे ही वो निकलता है एक आदमी आता है जो उसे अप्रोच करता है, और ये आदमी कोई और नहीं हमारे अंकल ही हैं जो कि मास्क वास्क पहन के टोपी वोपी लगा के अपने आप को कवर करके आए हैं। और तभी ये सोचता है कि ये कौन आदमी है जितना वियर्ड दिख रहा है, लेकिन ये आदमी क्या करता है ये का हाथ पकड़ता है और उसे कोने में खींच लेता है और ये सोचता है कि क्या कोई मेरी चोरी करना चाहता है क्या। और तभी मिस्टर ही बोलते हैं कि फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, और ये सोचता है कि अब तो मैं खत्म ही हो गया हूँ, क्या इसको पैसा चाहिए या मेरी जिंदगी चाहिए। ये का सबसे पहले रिएक्शन होता है कि कोई ना कोई उसके साथ कुछ गलत ही करने वाला है, और तभी ये सोचता है कि ये सच में जो है मुझे मारना या लूटना चाहता है। तभी मिस्टर ही जो होते हैं अपना मास्क उतारते हैं और बोलते हैं बहुत लंबा समय हो गया है मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय के बाद देखा है। और तभी ये बोलता अच्छा आप मिस्टर ही, और तभी मिस्टर ही बोलते हैं कि मैं तुम्हारा बहुत लंबे समय से गेट के ऊपर इंतजार कर रहा था, आज मैं फाइनली तुमसे मिल पाया हूँ, और क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे को शॉर्ट में बताता हूँ कि तुम जो हो मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ जिससे कि तुम मेरे साथ काम कर सको करके। अब क्या होता है वो बोलता है कि लेकिन मैं पहले भी आया था लेकिन तुम्हारे बॉस ने मुझे भगा दिया था, और लेकिन मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो। तभी अपने मन में सोचता है कि मेरे बॉस ने इसे भगा दिया था। तभी वो बोलता है अंकल बोलते हैं कि कोई बात नहीं इस मैटर को तुम भूल जाओ और तुम इंटरेस्टेड होगे हमें कोई रोक नहीं सकता करके। लेकिन हमारा यही सैड होता है तो वो बोलता है मिस्टर ही मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, इट्स जस्ट कि मैं जो हूँ अभी शटडाउन होने वाला हूँ इस इंडस्ट्री से तो मैं अब एक्टिंग के जॉब्स नहीं ले सकता तो आप किसी और को ढूंढ लो। तो हमारे अंकल बोलते हैं कि हाँ शटडाउन, कौन सा शटडाउन, कैसा शटडाउन। और तभी ये बताता है कि मैंने खुद में अपने कानों से सुना है लेकिन मुझे अभी तक रीजन नहीं पता है तो शायद मैं ये अब और नहीं कर सकूंगा। मिस्टर ई को बहुत ही गुस्सा आता है और अपने मन में सोचता है कि मेरे नेफ्यू को किसकी हिम्मत हुई शटडाउन करने की, और क्या कोई मुझे जोक की तरह ट्रीट कर रहा है क्या। पर बेसिकली हकीकत में तो इस प्रोड्यूसर को हर कोई जोक की तरह ट्रीट करता है। तो ये बहुत हम्बल तरीके से उनको सॉरी बोलता है। तो मिस्टर ही बोलते हैं कि यून तुम जो वरी मत करो, सब ठीक हो जाएगा, कोई तुम्हें शट डाउन नहीं कर सकता, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा करके। तो ये बताता है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है कि कौन मुझे शट डाउन करना चाहता है और मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बॉदर करूं, मैं खुद ही देखता हूं कि मैं आगे क्या कर सकता हूं और मैं भी बैड मूड में हूं, तो आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी कह के चला जाता है। अब अंकल ही हमारे ही को जाता हुआ देखते हैं और फोन लगाते हैं और बोलते हैं जुनान मैं हूँ, मैंने अपनी बीवी को फोन लगाते हुए बोलते कि मैं बोल रहा हूँ, मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ करके। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रूरू जो है चीख रहा होता है, ऐसे 1-2-3 बार वो चीख चुका होता है, तभी उसके साथ में जो आदमी होता है वो पूछता है कि रूरू क्या तुम्हें सर्दी लग गई है क्या? तो वो बोलता है नहीं मुझे सर्दी नहीं लगी है, ब्यूटी ने कहा है कि कोई जब हमारे बारे में सोचता है तब हमें ऐसे चीखे आती है करके। और तभी जो हमारा रूरू है वो बस एक्साइटेड होता है और चीखने लगता है। अब फिर से घर दिखाते हैं, फिर हॉस्पिटल दिखाते हैं। अब जो सीईओ है वो अपने दादा के साथ गार्डन में वॉक कर रहा होता है हॉस्पिटल के, और दादा भी बाहर देखते हैं और सोचते हैं कि तो इस तरीका का महसूस होता है दोबारा जिंदगी का मिलना, और मैं अब बहुत ही बेटर फील कर रहा हूँ, मेरा जो बॉडी है वो भी बहुत लाइट वेट हो गया और अब मुझे बर्डन नहीं फील होता है और मुझे लगता है कि मैं जवान हो गया हूँ। और तभी सीईओ हंसता है, बोलता है कि हाँ ग्रैंडपापा आप जो है अभी ठीक हो रहे हैं करके। और हाँ तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हमें तुम्हारा फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए, तो पहले तुम्हारी मैरिज करवा देते हैं करके, और रूरू तुम्हारा फर्स्ट बॉर्न है करके। तो हमारे मेन फैमिली के हिसाब से रूरू को हम फैमिली का मेंबर इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसका नाम जो है हमारे फैमिली ट्री में लिखवा देंगे करके। और बोलते हैं कि मैं तो आज रूरू को मिस कर रहा हूँ करके, सेकेंड डे भी मैंने रूरू को मिस किया करके, थर्ड डे रूरू को फिर मैंने मिस किया। तो बेसिकली ये जो है मिस्टर ही जो ओल्ड है वो सोच रहे हैं कि उन्होंने कितना रूरू को मिस किया गुलाब की पंखड़ियां तोड़ तोड़ के। और तभी मिसेस ही आती है, बोलती है कि ओल्ड फेलो अब बस करो। और तभी जो ओल्ड फेलो है मतलब हमारे मिस्टर ही ओल्ड वाले मिस्टर ही वो बोलते हैं कि मैं अभी रूरू को नहीं देख सकता। और तभी मिसेस ही बोलती है कि तुम मेरा गार्डन बर्बाद कर रहे हो करके। और क्या कहते हैं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिसेस ही और मिस्टर ही बोलते हैं कि हम लोग तुम्हारा प्यार है करके, अपनी पुरानी बातें याद कर रहे होते हैं। और ये बोलते हैं कि आपको मुझे बहुत स्पॉइल करना पड़ेगा और आप मेरे से झूठ भी नहीं बोल सकते, और एक दूसरे से वो प्रॉमिस ही कर रहे होते हैं। तभी उनका फोन बजता है और वहां से आवाज आती है हेलो मॉम। तो इनकी माँ बोलती है हाँ स्वीटहार्ट बोलो, और बोलती है कि रूरू को लेके हमारे घर आओ और हमारे साथ कुछ दिन के लिए रहो करके। तो मिसेस ही बोलती है कि तुम्हारे जो पापा है वो रूरू को बहुत ही मिस कर रहे हैं और वो बिल्कुल बहुत कम खाना खाते हैं करके। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ये जो मिस्टर ही है वो रूरू की याद में सारी गुलाब की पंखड़ियां तोड़ रहे होते हैं, और मिसेस ही बोलते हैं कि इस तरीके से तो ये मेरा पूरा गार्डन बर्बाद कर देंगे। तो मिसेस ही बोलती है अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है कि ही फैमिली का चाइल्ड दूसरे किसी के घर में रहे करके। और तभी पीछे से मिस्टर ही बोलते हैं कि अपनी डॉटर को बोलो कि उसे वापस इस घर में लेके आए, और मैं सबको दिखाऊंगा कि रूरू हमारे घर का बच्चा है, और जैन फैमिली में भी मैं दिखाऊंगा कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है करके, मतलब सबको ब्रैग करना है। तभी ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या करें। अब क्या होता है कि जुना को एक्चुअली कॉल आता है, तो जुना जो होती है वो बहुत हैप्पी होती है, यानी लिंगवाई की मम्मी जो है बहुत हैप्पी है और बहुत हंसती है और बोलती है यू की तुमने मुझे कॉल किया। तो इसके हस्बैंड बोल रहे होते हैं आई एम सॉरी, मुझे क्या तुम एक बार माफ कर सकती हो, मैंने बहुत अपना सेल्फिशनेस दिखाया, पर क्या तुम एक मुझे अनदर चांस दे सकती हो, और मैं जो अपना स्टूपिड लव है उससे तुम्हें कंपनसेट करूंगा और हम मैं जानता हूँ कि हम लोग जो हैं दो लोग हैं लेकिन डिफरेंट वर्ल्ड से हैं, लेकिन मेरा जो हार्ट है वो हमेशा तुम्हीं से बिलोंग करता है। और ये सारी बातें जो जुना के हस्बैंड बोलते हैं। तो जुना बोलती है कि अभी अभी तो ये मेरे पे चिल्ला रहा था और अब ये मुझे जो है कांटेक्ट भी कर रहा है करके, और अपने मन में सोचती है कि मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। और तभी दरवाजे पे नॉक होती है और एक आदमी आके बोलता है कि प्रेसिडेंट रुआन क्या आपने मुझे बुलाया? तो जुना जो होती है वो बोलती है हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, और कंप्यूटर में वो फोकस कर रही होती है सर्च के, और बोलती है कि फाइंड आउट करो कि कौन मेरे नेफ्यू को इंडस्ट्री से बाहर निकालना चाहता है, और उनको कहो कि वो अपना जो बिजनेस है उसे माइंड करे, मेरे नेफ्यू के उसमें टांग अड़ाने की कोशिश ना करे, और वो हम लोगों को ओपन करना जो है बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और मैं देखना चाहती हूँ कि कौन मेरे नेफ्यू के साथ मेस कर रहा है करके। और बोलती है कि ये का इंफॉर्मेशन तुम्हें भेज दिया है, अब जाओ जाके सारा काम करो जो मैंने तुम्हें कहा है। तो ये लड़की जो आती है वो यस बोलती है, चली जाती है और दरवाजा भी बंद कर देती है। तभी हमारी जूना बहुत खुश होती है और बोलती है मतलब फोन पर मैसेज करती है कि शू देखो उसने मुझे वो मुझे देखने आया था करके, शू यानी मिसेस यी की मम्मी के बारे में, और बताती है कि उसने जो कुछ रॉन्ग किया वो सब उसने एडमिट किया है और आखिरकार मैं विनर हूँ। तो जो यी की मम्मी होती है वो सोचती है किसके बारे में बात कर रही है, तो जुना बताती है कि मैं तुम्हारे एल्डर ब्रदर की बात कर रही हूँ और अपने पति की बात कर रही हूँ करके। अब दिखाते हैं कि आज का होमवर्क जो रूरू कर रहा है वो एक हैप्पी फैमिली की फोटो बनाता है जिसमें उसमें सब रंग भरे हैं करके, और रूरू ने अपने फेवरेट फैमिली मेंबर्स का फोटो बनाया होता है। और रूरू बोलता है कि रूरू जो है सबसे ज्यादा यी से ही प्यार करता है। अब यी रूरू के सामने बैठा होता है और सोच रहा होता है कि ऐसा क्यों हुआ उसके साथ और वो मुझे शट डाउन क्यों करना चाहता है, और उसने अगेन वर्ड का इस्तेमाल किया। जब ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी तब सीईओ वाकई में यी का कैरियर शट डाउन करना चाहता था, और आज भी उसने ये ही वर्ड वापस सुना, इसीलिए यहाँ पर अगेन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और तभी ये बोलता है कि लगता है ये पहली बार नहीं था। तभी रूरू पूछता है कि ये तुम्हारा फेवरेट पर्सन कौन है करके, क्या वो मैं हूँ? लेकिन ये का ध्यान यहाँ नहीं होता और ये अपने ही बातों में खोया होता है कि क्या इसने मतलब सीईओ ने ऐसा पहले भी किया होगा क्या, और मैं बहुत ही ज्यादा अनलकी टाइप का पर्सन हूँ जो इतने समय से हम्बल होके यहाँ पर बैठा हुआ हूँ करके, और क्या ये सब रूरू की वजह से हुआ है या फिर सीईओ की वजह से हुआ है? तो रूरू वापस सीई का ध्यान अपनी तरफ लेने के लिए उसका नाम पुकारता है और यी बोलता है हाँ, और पूछता है कि क्या हुआ रूरू? तो रूरू पूछता है कि यी तुम क्या सोच रहे हो और तुमने मुझे इग्नोर कर दिया? तो यी बोलता है नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। तो रूरू बोलता है तो क्या तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, तुम किसको सबसे ज्यादा पसंद करते हो? तो यी के मन में वापस सवाल उठता है कि वो किसको पसंद करता है, और वो वापस अपनी सोच में चला जाता है और सोचता है कितना बेतुका था कि मुझे लगा कि सीईओ वाकई में मुझे पसंद करता है करके, और मैं अपने आप को ही बहुत सांत्वना दे रहा था और फ्लैटर कर रहा था करके, लेकिन वो तो मुझे डिसलाइक करता है और वो इतना ही नहीं मेरा कैरियर भी बर्बाद करना चाहता है। तो रूरू फिर से पूछता है कि ये क्या हुआ, तुम आज बहुत अपसेट से दिख रहे हो और क्या तुम चाहते हो कि रूरू तुमको एक स्टोरी सुनाए? तो ये अपने मन में सोचता है कि मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए और निगेटिविटी को रूरू के ऊपर नहीं लाना चाहिए। तो बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे स्टोरी सुना सकते हो, तो आज तुम मुझे कौन सी स्टोरी सुनाओगे? तो रूरू बोलता है चीयर अप और लिसन, ये मेरी बात को सुनो। और रूरू बोलता है कि मैं बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर हूँ और मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये स्टोरी जो है हमारी रोस्टेड डकी की है जो कि एक वॉरियर डकी है। अब यहाँ पर एक डकी दिखाते हैं जो कि वॉरियर डकी है, और वो बताता है कि ये जो है डक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डक है, और वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि एक दिन क्या होता है, उसको ना एक मैजिक वाला आदमी कर्स दे देता है एकदम सडनली से, और ना वो क्या कहते हैं थंडर से स्ट्राइक हो जाता है उसको। और यहाँ पर दिखाते हैं कैसे रूरू जो है परफॉर्म कर रहा है, और तो क्या होता है कि डकी जो है इन दी एंड रोस्ट हो जाती है और रोस्टेड डक में कन्वर्ट हो जाती है। और लेकिन ये अभी भी अपनी बातों में सोच रहा होता है, वो कुछ खास की स्टोरी सुन नहीं रहा होता है। वो सोचता है कि सीईओ ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रूरू उसका बेटा है, और सोचता है कि इसके अलावा तो कोई और रीजन हो नहीं सकता है। अब रूरू यहाँ पर फिर से बोलता है कि क्योंकि रोस्टेड डक जो होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि सभी को रोस्टेड डक चाहिए होता है खाने के लिए। तो अब रोस्टेड डक क्या करेगा, क्योंकि अब वो रोस्ट हो चुका है तो उसको सब खाना चाहते हैं। तो ये अपने ख्यालों में अभी भी है, सोचता है कि हम लोगों को कभी मिलना नहीं चाहिए था, यदि रूरू नहीं होता तो हम कभी नहीं मिलते। तो दूसरी तरफ वापस रूरू अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता, बोलता है कि जो रोस्टेड डक था वो एकदम आइडल होके नहीं बैठा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो मर जाए, तो उसने एक वे फाइंड आउट करने के लिए सोचना चालू किया। पर ये सोच रहा होता है कि रूरू जो है अभी सीईओ के साथ ही रह रहा है, तो क्या इससे ज्यादा भी कुछ चाहिए सीईओ को। लेकिन दूसरी तरफ रूरू बोलता है तो अब हमें क्या करना चाहिए, मतलब रोस्टेड डक जो है अब वो क्या करेगा करके। और तभी यी के मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि क्या वो रूरू को ऑक्यूपाई कर लेगा, और क्या वो रूरू को मेरे से ले जाना चाहता है क्या। और वो सोचता है कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे मनाऊंगा, तभी मेरे पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ तक अभी रूरू को पिक करने भी नहीं आए हैं, और तो नेक्स्ट मूव क्या होगा सीईओ का, क्या वो मुझसे पीछा छुड़वा लेगा क्या। और तभी ये सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग अच्छे भले चल रहे थे तो ऐसा क्यों हो रहा है। और मुझे लगा था कि सीईओ मुझे पसंद करता है, और मुझे ये भी लगा था कि जब रूरू बड़ा हो जाएगा तो मैं अपने पेरेंट्स को ट्रुथ बता दूंगा, और मैं फिर सीईओ के साथ और रूरू हम मिलके एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे करके। तो अब ऐसा क्यों है। तो रूरू अब अपनी स्टोरी एंड करता है कि इन द एंड में क्या होता है, रोस्टेड डक जो है वो वॉरियर डक में बदल जाता है, और वो एकदम फाइटर बन जाता है, और वो अब फाइट करता है सबसे, और रूरू बहुत हैप्पीली ये सुनाता है। लेकिन ये डिस्ट्रैक्टेड होता है और वो वापस ई का नाम लेता है। अब पूछता है कि ये तुम्हें कहीं अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं जाता हूँ और पैंग पैंग को कॉल करता हूँ। और तभी रूरू सोचता है कि अभी तक पैंग पैंग क्यों नहीं आया। और तभी जब वो कॉल करने वाला होता है तो ये उसकी घड़ी पे हाथ रख देता है और बोलता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसे कॉल मत करो, मैं उसे इस वक्त देखना नहीं चाहता हूँ करके। तो रूरू को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, लेकिन उसको इतना पता है कि पैंग पैंग ने कहा था कि यदि ये के साथ कुछ भी रॉन्ग हो तो वो फैंग को जरूर बताया करके। तो ये बोलता है कि रूरू जब तुम बड़े हो जाओगे तो ऐसे अक्सर टाइम तुम्हारी जिंदगी में भी आ सकते हैं, और पर मैं जल्दी ही हैप्पी हो जाऊंगा, और ये नॉर्मल है, और जब तुम बड़े होगे तब तुम्हें ये समझ में आएगा करके। तो रूरू उसको हक करता है, लेकिन उससे पूरी तरीके से ये बात समझ में नहीं आती, और ये जो है रूरू को हक करके बैठता है। और रूरू बोलता है कि ठीक है, जब तक तुम्हें ठीक नहीं लगता, जब तक तुम हैप्पी नहीं हो जाते, तब तक मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूंगा, और हरी अब तुम जल्दी हैप्पी हो जाओ। तो ये बोलता है ओके। अब दोनों मिलके यहाँ पर अभी भी अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर रहे होते हैं, लेकिन ये का ध्यान अभी भी उन्हीं बातों में होता है, और वो सोचता है कि मैं रूरू पे गिव अप नहीं कर सकता, आखिरकार रूरू मेरा बेटा है, तो मैं सीईओ को अपने बेटे को नहीं ले जाने दूंगा, और चाहे मुझे सीईओ शटडाउन भी कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई और जगह पे कोई और जॉब ढूंढ लूंगा। और ऐसा तो नहीं है कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही एक अकेली है, और मेरे पास स्ट्रेंथ है, स्किल्स भी है, और मैं अपने आप ही रूरू को पाल लूंगा। और तभी हो सकता है कि सीईओ मुझे जो है किक आउट करने की कोशिश कर रहा है। ये सब सोचते सोचते ये के अंदर बहुत रेज आ रहा होता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, निगेटिव एनर्जी होती है, और वो बोलता है कि मैं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हमेशा रहूंगा, एंड तक रहूंगा, और यदि अभी मैंने गिव अप कर दिया तो मैं ही लूजर होऊंगा, तो मैं अपने डेथ टाइम तक इसी इंडस्ट्री में रहूंगा, और उसे मरने से पहले तक एनॉय करूंगा। रूरू ये चीज देखता है, क्योंकि उसे वो चीजें भी दिखाई देती हैं जो दूसरों को नहीं दिखाई देती, तो वो देखता है कि यी के बॉडी में से रेड रंग का कुछ निकल रहा है करके, और वो यी को वेकअप करने की कोशिश करता है, लेकिन यी कुछ भी सुन नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो अपनी दुनिया में कैद हो चुका होता है। तो रूरू जो है वो भागते हुए जाता है और शाइनिंग सा एक पॉट लेके आता है और यी के हाथ में देता है। यी उस पॉट को पकड़ता है तो उसका जो शाइनीनेस होता है वो डिम होने लगता है। तो रूरू सोचता है कि ये डिसअपियर हो रहा है, तो वो फिर एक दूसरा स्टैचू लाता है, वो रखता है, जो शाइनिंग होता है वो भी डिम होने लगता है। और रूरू सोचता है ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे एक एक करके रूरू बहुत सारी चीजें लाता है, जो शाइनिंग है वो उसको देता है और बोलता है कि मैं गिव अप नहीं कर सकता, मुझे किसी भी तरह जो ये है उस पर मतलब उसका ये रेज जो है खत्म करना है। और तभी ये रियलिटी में वापस आता है और देखता है कि उसके पास बहुत सारी चीजें हैं और रूरू हैप्पी हो जाता है। बोलता है ये इन सबको पकड़ने से क्या तुम्हें खुशी मिलती है? तो ये बोलता है हाँ, अब मुझे बेटर फील हो रहा है, थैंक यू रूरू। और क्या कहते हैं, ये सारे नेगेटिव इमोशंस जो हैं अब वो मेरे अंदर से निकल गए हैं। और वो पूछता है कि ये सारी चीजें तुम्हें कहाँ से मिली? उसी दिन में सीईओ आ जाता है और बोलता है कि मैं वापस आ गया। और वो पूछता है कि रूरू और तुम क्या कर रहे हो? रूरू देखता है तो बोलता है टैंकन तुम वापस आ गए। और क्योंकि अभी हमारा ये गुस्से में है तो वो तिरछी नजर से सीईओ को देखता है और सीईओ को लगता है अब कुछ बुरा होने वाला है। तभी ये बोलता है कि तुम सही टाइम पे वापस आए हो, तो एक काम करो, तुम मुझे सारी सच्चाई बताओ, और मैं ना इन सब चीजों से थक गया हूँ, तो आज हम इसे बैठ के सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो सीईओ सोचता है कि क्या सॉर्ट आउट करना है, रूरू भी सोचता है कि क्या सॉर्ट आउट करना है। और तभी ये बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे कैरियर में मुझे सपोर्ट करोगे, क्या तुमने झूठ कहा था? सीईओ को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वो पूछता है कि तुम क्या बात कर रहे हो? तो ये बोलता है कि प्रिटेंड करना बंद करो, तुम्हें पता है कि आज तुम कहाँ गए थे और तुमने आज सारा दिन क्या किया। तो सीईओ बताता है कि मैं कंपनी में गया था और फिर ग्रैंडफादर को मिलने गया था। तो हमारा ये बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो। और तभी सीईओ बोलता है कि ये तुम रुको। रूरू सोच रहा होता है कि कौन लायर है करके, और जो लायर होते हैं वो बैड किड होते हैं करके। और तभी सीईओ बोलता है कि हमें ये सब चीजें बच्चे के सामने डिस्कस नहीं करनी चाहिए, तो चलो स्टडी में चलते हैं और अपना कन्वर्सेशन पूरा करते हैं। रूरू कभी सीईओ को देख रहा होता है, कभी यी को देख रहा होता है, और तभी यी बोलता है कि तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है, ऐसा ही है ना? तो रूरू जो होता है बहुत ही क्यूरियस होता है और वो पूछता है क्या तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो? तो यी बोलता है हाँ, और सीईओ बोलता है नहीं। क्या होता है कि रूरू पूछता है क्या तुम लोग लड़ाई कर रहे हो? तो यी बोलता है यस, एंड हमारे सीईओ बोलते हैं नो। और तभी रूरू अपने मन में डिसीजन लेता है कि ये लोग जरूर लड़ाई कर रहे हैं। और वो सोचता है और बोलता है कि ब्यूटी ने कहा था कि दो पीपल जब अलग अलग बात करते हैं तो वो डाइवर्सिटी होता है। और तभी सीईओ बोलता है कि ये ऐसा नहीं है। और तभी ये बोलता है कि हम लोग क्वारल नहीं करना चाहिए बच्चे के सामने। और तभी अपने मन में सोचता है कि मैंने रूरू को डरा दिया, मैं बहुत ही रैशनल था और शायद इसलिए मैंने ये सब बोल दिया। और अपने मन में सोचता है और बोलता है कि हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे हैं, तुमने हमें गलत सुना है। और बोलता है कि हम चलते हैं, स्टडी में जाके बात करते हैं। तो रूरू बोलता है तुम लोग लड़ाई मत करना प्लीज, क्योंकि हैंडसम ने कहा है कि जो लोग होते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं उनसे हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और जो ओबीडियंट पर्सन रहना चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं उसके साथ हम ओबीडियंट होते हैं करके। और तभी रूरू बोलता है कि एंड पैंगपेन तुमको भी ओबीडियंट रहना पड़ेगा यी के लिए, मतलब जो यी है वो पैंगपेन को सुनना होगा और लड़ना नहीं होगा। और तभी सीईओ सोचता है कि इवन रूरू को भी पता है कि मैं यी को पसंद करता हूँ। और तभी रूरू यी को भी ज्ञान देता है कि तुमको भी ओबीडियंट रहना है फैंग फैंग के लिए, और तुम दोनों को जो है एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी है करके। तो यी बोलता है ठीक है, हम नहीं लड़ेंगे, हम सिर्फ कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं, और तुम जाओ जाके बिस्तर में सो जाओ, और जब तक तुम उठोगे तब तक हम हमारा डिस्कशन खत्म कर लेंगे। और तो रूरू बोलता है ठीक है, तो फिर मैं जल्दी ही उठ जाऊंगा करके। अभी और सीईओ स्टडी में बैठे होते हैं और यी बोलता है कि मैं अभी तक रीजन को फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ और मैं अब और सीक्रेट नहीं रख सकता, तो मैं तुमसे डायरेक्टली पूछता हूँ। तो सीईओ बोलता है ओके पूछो। और तभी ये बोलता है कि तुमने मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से शट डाउन करने की कोशिश की थी क्या, या कभी किया था? ये बात सुन के सीईओ को एक झटका सा लगता है और वो नीचे देखने लगता है। और तभी ये बोलता है कि मुझे आंसर चाहिए, और वो बोलता है कि मुझे हाँ और ना में आंसर दो। तो सीईओ उसकी तरफ देखता है और बोलता है हाँ, और ये बात सुन के यी को एक झटका सा लगता है और वो पूछता है कि तुमने ये कब किया और क्यों किया? तो सीईओ बताता है कि जब रूरू का बर्थ हुआ उसके बाद मैंने कुछ लोगों को तुम्हारे सारे सीरीज बैन करने के लिए कहा था, क्योंकि मैं तुम्हें पब्लिक से हाइड करना चाहता था और मैं उस टाइम पे बहुत ही सेल्फिश था और मुझे लग रहा था कि यदि ऐसा नहीं करूंगा तो रूरू एक्सपोज हो जाएगा, और मुझे डर था कि कहीं ये पब्लिक फिगर होने की वजह से रूरू पे इस चीज का इम्पैक्ट ना पड़े। तो इसीलिए मैंने तुम्हारी प्राइवेसी को रखने के लिए और रूरू को रखने के लिए और तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर किया करके। और क्या कहते हैं, तभी वो सोचता है, बताता है कि तो हम एक दूसरे को मिले और जब तुम बाई कंपनी को मिले तो मैं बाई कंपनी में गया था उनसे बात करने के लिए कि वो तुम्हें शट डाउन कर दे, लेकिन एक्सीडेंटली तुमने बाई कंपनी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। तो ये सब मेरी गलती थी, मैंने सिर्फ रूरू के बारे में कंसिडर किया लेकिन तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। तो ये बोलता है अच्छा, तो रूरू के बर्थ के बाद का ये बात है करके। और तभी वो पूछता है कि तुम्हें पता था कि ये तुम्हारा बच्चा है? तो सीईओ बोलता है हाँ। तो फिर ये बोलता है तो तुम उसको इतने समय से देखने क्यों नहीं आए? जब वो पैदा हुआ तब भी तुम नहीं आए, जबकि तुम्हें ट्रुथ पता था और तब भी तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई करके। तो आखिरकार तुम क्या सोच रहे थे और तुमने मेरे बारे में क्या सोचा है, रूरू के बारे में क्या सोचा है? तुम्हारे में कोई सेंस भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि नहीं? तो सीईओ बड़ा दुखी हो जाता है और सॉरी बोलता है। और सीईओ मन ही मन सोचता है कि वो कैसे सबको सच्चाई बता सकता है, जब कि उसके अंकल और उसकी अंकल की जो बड़ी बहन है वो सब सीईओ के पीछे पड़े हुए हैं। और वो अपने मन में सोचता है कि मैं रूरू को उस टाइम पे प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं था। और वो बताता है कि यदि वो मेरे साथ रहता तो रूरू कभी भी हैप्पीली ग्रो नहीं करता और मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता, तो इसलिए मैंने उसे तुम्हारी साइड ही मतलब बड़ा होने दिया। तो यही बोलता है जब इतने सारे प्रॉब्लम थे तो तुम्हें बच्चा क्यों चाहिए था, तुमने ऐसा हैस्टी डिसीजन क्यों लिया? और फिर वो देखता है, अपने मन में याद करता है कि कैसे उसने रूरू को पाला पोसा है। और तभी वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरे और रूरू का लाइफ कितना इफेक्ट हुआ, और क्या कहते हैं इसके अलावा तुम्हें कैसे पता कि मैं रूरू का केयर अच्छे से करूंगा? यदि मैंने रूरू को बुरे तरीके से ट्रीट किया होता तो क्या होता? तो सीईओ यी का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि नहीं, तुमने रूरू को बहुत अच्छे से ट्रीट किया है और तुमने उसका केयर भी बहुत किया है। रूरू तुम्हें प्यार करता है और तुम रूरू को प्यार करते हो, और मुझे पता है कि मैंने इतने सालों से अपनी ड्यूटीज नहीं की, और लेकिन तुम्हारे कारण मैंने अब अपनी मिस्टेक्स को सुधारा है और मैं अब उन्हें कभी भी नहीं करूँगा, और मैंने तुम्हारे साथ रह के एक गुड फादर बनना सीखा है। और जो रूरू है बहुत, तभी ये बोलता है कि रूरू जो है बहुत ही सेंसिबल है और वो मुझे प्यार करता है, तो वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये पूछता है अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओ क्या तुम रूरू को मेरे पास से ले जाना चाहते हो? तो सीईओ को समझ में नहीं आता है कि यी का डायरेक्शन किधर जा रहा है, और वो बोलता है कि नहीं, मैंने तो कभी रूरू को तुमसे अलग करने के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने हमेशा विश किया है कि हम लोग साथ में रहें और साथ में रूरू हमारे बड़ा होकर के, और रूरू को भी तुम्हारी जरूरत है और मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। तो यी सुनता है ये और सोचता है, बोलता है कि तुम वाकई में ऐसा सोचते हो? तो सीईओ बोलता है हाँ, मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ और आज के बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तो ये बोलता ठीक है, जो पास में हो चुका है वो हो चुका, मैं उसके बारे में बात नहीं करता, लेकिन तुम मुझे बताओ तुम्हारा आज क्या रीजन था कि तुम मेरे कंपनी में गए थे? क्या तुम फिर से मुझे शट डाउन करने गए थे? तो सीईओ बोलता है नो। अब क्या होता है ना, उस टाइम पे यी ने आधी बात सुनी होती है और आधी बात सुनते ही वो चला जाता है। तो यी बोलता है लेकिन मैंने अपने कानों से सुना है और मैंने सुना था कि तुम लोग मुझे शट डाउन करना चाहते हो और मैंने तुम्हें वहां देखा तो मैं तुम्हें फॉलो करता हुआ ऊपर आ गया और मैंने एक्सीडेंटली तुम लोगों की बातें सुन ली। और तभी तुम ही थे ना वो पर्सन जिसने कहा था कि तुम मेरे कैरियर को सपोर्ट करोगे, तो अब तुम मुझे सडनली शट डाउन क्यों करना चाहते हो? तुम्हें पता है कैसा फील होता है ऐसा? तो बेचारा ये आज बहुत सैड है इसलिए वो ये सारी बातें करता है। और सीईओ बोलता है कि सॉरी लेकिन ये ऐसा नहीं था करके। तो ये बोलता है ओके तो तुम मुझे बताओ कि तो फिर तुम वहां क्यों गए थे? तो सीईओ बोलता है, थोड़ा हिचकता है फिर भी बोलता है कि तुम्हारा और रैन रैन का एक्सपोजर बहुत ज्यादा था और जो लोग हैं वो तुम्हारे क्रेजी रिलेशनशिप के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे थे जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है और इस टाइप की पॉपुलैरिटी तुम्हें नहीं चाहिए और तुम एक अच्छे स्टार बनना चाहते हो। तो ये बोलता है तो इस वजह से तुम मुझे शट डाउन कर दोगे। अब तुम मेरे पॉपुलैरिटी और एक्सपोजर के बीच में भी इंटरफेयर कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा लॉजिक थोड़ा सा बेकार सा है? तो सीईओ बोलता है लेकिन ये तुम्हारे अच्छे के लिए है। ये बोलता है कैसे ये मेरे अच्छे के लिए है? तुम्हारा ओपिनियन है कि मेरी पॉपुलैरिटी और मेरा एक्सपोजर ठीक नहीं है और ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है करके। तो सीईओ समझाता है कि ये वाकई में अच्छा नहीं है, तुम्हें प्रमोट करने के लिए रैन रैन की जरूरत एज ए कपल नहीं है। और तभी ये बोलता है तुम्हें कुछ नहीं पता है, रैन रैन जो है एक बहुत ही बड़ा फिगर है और सब लोग उसके सपोर्ट को चाहते हैं और ये मेरा ऑनर है कि रैन रैन मेरे पे ट्रस्ट करता है और मुझे हेल्प करना अपनी तरफ से चाहता है। तो सीईओ बोलता है कि मैं भी तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, तुम मेरे पे ट्रस्ट करो करके। तो हमारा ये बोलता है कि तुम समझ नहीं रहे हो और वो फैंजियो को मतलब सीईओ को थोड़ा धक्का देता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए कोई मीन नहीं करता है बट मैं जो हूँ एक ऑर्डिनरी मैन हूँ और मेरी पॉपुलैरिटी और एक्सपोजर मेरा चांस है करके और मैं अपने कैरियर में कभी भी सक्सेस नहीं मिला है मुझे और मेरा एक्टिंग स्किल भी सो सो है और मैं बहुत ही लकी था जब मुझे बाई कंपनी ने साइन किया और मुझे ये रोल दिया और मैंने काफी हार्ड वर्क किया है और मैं धीरे धीरे बेटर भी हो रहा हूँ और मैं अपना बहुत बेस्ट दूंगा इम्प्रूव होने के लिए और मैं फाइनली मुझे कोई चीज मिली थी जिससे अप्रूवल मिला था और मैंने कुछ अचीवमेंट किया था और अब फिर ये सब हो गया। तो क्या ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है ये सोच के क्या मैं अपना कैरियर फिर से स्टार्ट करूंगा क्या? और ये तब जबकि उसे पता हो कि एक पर्सन कितना बुरा है, मेरे बारे में कितना बुरा सोच रहा है और ऊपर से वो कह रहा है कि ये तुम्हारे भले के लिए है करके। और तो तुम चाहते हो कि मैं ऐसे इंसान को समझूं और उसे माफ कर दूं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई सेंट वेंट हूं क्या? तो सीईओ जो है वो यी को समझाने की कोशिश करता है। अब क्या होता है कि यी तो अभी भी गुस्से में होता है, वो बोलता है कि मैं अपने ओन में ही गुड हूँ, मुझे कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे लिए कुछ ठीक कर रहे हो। तभी दरवाजे पे नॉक होती है और रूरू आ जाता है और पूछता है कि तुम लोगों का डिस्कशन खत्म हो गया और रूरू जो है वो उठने वाला है करके। अब सीईओ यी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन यी रुकता नहीं है। दरवाजा खुलता है, यी बाहर आता है और देखता है कि रूरू वहां खड़ा है और बोलता है कि हाँ हमारा डिस्कशन जो है वो हो गया है और बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। और तो रूरू बोलता है कि फैंग चलो साथ में चलते हैं, साथ में सोते हैं। तो फैंग देखता है और यी बोलता है कि रूरू फैंग को कुछ काम है आज, तो हम लोग चलते हैं, कोई दूसरा रूम देखते हैं, वहां सोएंगे। और तभी वो ये भी बोलता है कि ठीक है तुम मुझे अपने ग्रिल डकी वॉरियर की स्टोरी सुनाना। और तभी रूरू बोलता है कि वो ग्रिल नहीं वो रोस्टेड डकी वॉरियर है करके और बोलता है कि यी मैं तुम्हें वो स्टोरी फिर से सुनाऊंगा यदि तुम सुनना चाहते हो। तभी सीईओ बोलता है कि यी रुको एक मिनट रुको और हमारा यी सीईओ को इग्नोर कर रहा होता है। सीईओ अपनी स्पीड बढ़ाता बोलता है, ये रुको, क्या तुम सच्ची में रियल रीजन जानना चाहते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? तो रूरू भी देखता है कि रीजन क्या है, और तब पता चलता है कि हमारे सीईओ अपना प्यार हमारे यी से कन्फेस करते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू करके।